ओम श्री परमात्मने नमः। ओंकार मंत्र ओंकार मंत्र गायत्री छंद गायत्री छंद परमात्मा ऋषि परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग जपे विनियोग। देव आधीन जगत सर्वम मंत्र आधीनस्य देवता। सारा जगत उस अकाल पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा देव के आधीन है, लेकिन वो परमात्मा देव अपने नाम के आधीन। राम न सकई नाम गुण गाए, भगवान भी भगवान के नाम की महिमा का पूरा बयान नहीं कर सकते। भगवान ने तो नपे तुले तारे, लेकिन भगवान के नाम ने तो अगणित तारे हैं, तार रहा है और तारता रहेगा। भगवान के नाम का इतना बड़ा भारी प्रभाव है। उस भगवान के नाम में अगर ओम भरा है तो हो, और ओम के साथ हरि मिल गया तो जो पाप को ताप को दुख को शोक को अयोग्यता को हर लेता है वह हरि। हरति शोकानि दुखानि पातकानि इति श्री हरि। वेद सबसे प्राचीन सदग्रंथ है। वेद के समान दुनिया में और कोई ग्रंथ था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। वैदिक संस्कृति अति प्राचीन सनातन संस्कृति मानी जाती है। कई मजहब मत पंथ पैदा हो के कई लीन हो गए। कोई 100 साल जिया, कोई 200 साल, कोई 50 साल, कोई 500 साल, तो कोई 2000 वर्ष, लेकिन फिर विलय हो गया। सनातन संस्कृति अनादिकाल से चली आ रही। उस सनातन संस्कृति का ऐसा बड़ा भारी प्रभाव है कि आप अब भी इस समय यहीं उसका महत्व समझ सकते। मंत्रों में बड़ी भारी शक्ति। एक मंत्र है जिसको निंद्रा नहीं आती, वो अगर जप करने लगे तो कंपोज फाई लेने वाला उदयपुर का भीमन दास उद्योगपति, नींद नहीं आती थी और इस मंत्र से उसको ऐसी अच्छी नींद आई कि अभी वो 70 साल का बोलता, मैं 70-72 का मजे से सोता हूँ, जवानों के जैसा काम करता। तो मंत्र आयुष्य में, आरोग्य में, पुष्टि में, बुद्धि में, शुद्धि में, योग्यता में, सब में सहायता करता है मंत्र। मंत्र में 4 बातें होती हैं। जापक की श्रद्धा जितनी दृढ़ हो, श्रद्धा, फिर दूसरा सदचरित्र। नहीं तो ऐसा नहीं कि धर्म के माल नाम पे माल दूसरे का अपने पास, धर्म के नाम पे अपने बेटे बेटी की शादी अच्छी कराना, ये उद्देश्य नीचा है। धर्म के नाम पे धर्म, ईश्वर के नाम पे ईश्वरी, उद्देश्य ऊंचा। हाँ हाँ, ऐसे लोग होते हैं उद्देश्य जिनका ऊंचा है तो गुरु की हृदय गद्दी पर अपना नाम लिखवा लेते। गुरु गोविंद सिंह के ऐसे सिख बयान थे। एक जमींदार था, बड़ा नाम धाम ठाम था। घर में उसने अपने कुलदेवी का मंदिर भी बना रखा था, उसके बाप दादू का, बड़ी धाम झाम से पूजा होती। उसने सुना कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु गोविंद सिंह के पास आया कि मुझे आपका शिष्य बना। बोले, गुरु के शिष्य बनने की लायकात चाहिए। बोले, महाराज तुसी जो आख दे मैं सारी शर्तां कबूल करना। बोले, पहले तो तुम्हारा जो कुल परंपरा का घर में मंदिर है और तुम बड़े जमींदार सेठ होके प्रतिष्ठित हो रहे हो, धर्म के नाम से यश कमा रहे हो, उस मंदिर को तोड़वा दो अगर मेरा चेला बनना है। जमींदार की छाती पे तुम्हारा पहाड़ गिरा, लेकिन
कोई पुण्याई होगी। ये कथा है, शास्त्र में गुरुवाणियों के ग्रंथों के आधार पर बोल रहा हूं मैं, हलीमा वाली किताब पर नहीं, उसका प्रूफ है, प्रमाण है मेरे पास। उसने उस मंदिर मंदिर को हटवा दिया। बाप रे बाप, जमींदार का जो नाम शान शौकत सारी मिट्टी में मिल गई। उसके बेटे की शादी के लिए कोई धनी का ऑफर था, लेकिन धनी की जाति उस जमींदार से थोड़ी छोटी थी। तो उसने बोला, चल रहे तू मुझे इतनी अशर्फियां दे देगा तो क्या है, मैं अपना बेटा थोड़ी बेचता हूँ, तुम्हारी जाति हमारे से थोड़ा कॉन्स्टेंट रखिए। अब तो उसको अपनी जाति वाले जमींदार को कोई कन्या ना दे बैठे। गुरु के पास आते जाते जमीन जागीर पर ध्यान कम हो गया, माल मिलकर धीरे 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 बिखरती गई। लोग बोलते गए कि जब से गुरु गोविंद सिंह के पास गया तो कंगाल होने लग गया, मैणे मैणे लगे तो लगने लगे। अब तो उसकी जमीन जागीरें तो बिक गई, एक साधारण किसान की स्थिति में भी नहीं रहा। फिर भी गुरु के पास आता, साधन भजन करता, सेवा करता। गोविंद सिंह ने कहा, मुझे 1000 रुपए, मतलब आज के 70,000 रुपए। उस समय उसके लिए 100 रुपए भी लाना कठिन था, चांदी के रुपए होते। 1000 रुपए चाहिए और इतनी अशर्फियां चाहिए। गुरु जी को तो क्या चाहिए, लेकिन देखा कि गुरु को समर्पित हो रहा है कि गुरु को समर्पित कर रहा है। समर्पित होना कोई बच्चों का काम नहीं, गुरु को समर्पित होना, ये जमींदार। बाद में तो बड़ा सिद्ध पुरुष बन गया गुरु गोविंद सिंह की कृपा से। तो जहां शादी ठुकरा दी थी, अब पैसे तो हैं नहीं तो क्या करें कि बेटे की शादी उस जमींदार से करा दें जो हल्की जाति का है। तो इस माँ ने अशर्फियां मिलेगी गुरु जी को देंगी, तो अपने बेटे की शादी नीच जाति में करा दी गुरु को अशर्फियां देने के। दिन बीते, महीने बीते, अब बहू आई, लोगों ने तो रिश्ते नाते सब काट दिए, मंदिर तोड़वा दिया, जमीन चली गई, नीच जाति में कि बहू लाया। उस समय तो जाति पाति का बड़ा था, छूतछात पड़ी थी। और भी समय ने करवट ली, अब तो खेत खली में काम करने के दिन आ गए। मजदूर कहां तो बड़ा जमींदार, फिर छोटा जमींदार, फिर जमीने बिकी, रुपए पैसे भरने, गुरु जी का आज ये भंडारा करवा दो, आज ये करवा दो, सारा अपने को धन से चौपट कर दिया, तन से गुरु के द्वार पे सेवा करते। तो जितना विद्यार्थी आगे बढ़ता है उतनी परीक्षा पेपर अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं। केजी के पेपरों से मिडिल के, मिडिल से कॉलेज के, कॉलेज से पीएचडी। गुरुजी ने कहा, अब मुझे इतने रुपए और इतनी अशर्फियां और चाहिए। गुरुजी जानते थे उसकी स्थिति नहीं, इधर उधर करके अपना घर का सामान वान सब बेच बाच के भी वो अशर्फियां रुपए तो नहीं हो सकते थे, लेकिन क्या करें, गुरुजी की सेवा मिली। गुरु के सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुंड पिछाने। उसने अपने पत्नी का जो कुछ पुराने जो कुछ थे गए थे, बहू को जो मिला था वो सारा का सारा ले दे के, फिर भी थोड़े से रुपए खुट रहे थे, कहीं से भारी ब्याज पे ला के दे दी। मैं रोज दहनगी कमाऊंगा, उसमें से
सुखाऊं और मेरी पत्नी भी खेत में काम कर लेगी, क्या फर्क पड़ता है। आखिर महाराज वो पति पत्नी खेत खली में काम करने लगे। गुरु ने देखा कि खेत खली में काम करते हैं और बोले तुम खेत खली में काम करते हो क्या, गुरु जी गुजारा हो जाता। इधर तो देर होती है लंगर की सेवा। हाँ तो गुरु जी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक लंगर का नाश्ता वास्ता बना के अपना कुछ सेवा करके चले जाते, खेत खली में काम करके आते, फिर शाम की लंगर की सेवा करते। श्रम अधिक होने से शरीर भी थोड़ा ऐसे वैसे हो गया। गुरु ने कहा लंगर की सेवा तो करते लेकिन लकड़ियां है नहीं, लकड़ियां खरीदनी पड़ती अपने को, लकड़ियां लाया करो। तो लकड़ियां लाते लाते एक बार चक्कर आए तो कुएं में गिर पड़ा। लंगर में लंगर बनाने वाला तो आया नहीं, लकड़ियां भी नहीं आई, क्या हुआ। गुरु ने देखा कि वो रुकने वाला तो नहीं, कहां से आता था, जंगल में चलो। आवाज मारते मारते मंज तो कुएं में से आवाज आया, गुरु जी इत्थे ओ बेटा किथे हो मंज। गुरु जी कुएं में कैसे, लंगर बना के फिर जाता था घर खाने को। वो पत्नी ने खेत से आई नहीं थी, खाना नहीं बना था तो 2 दिन की भूख थी। लंगर की सेवा करता था लेकिन खाता था घर का। जयराम जी की बोले लोग बोलते हैं मंज पागल हो गया, मूर्ख हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन गुरु जी आपकी कृपा है। गुरु ने कुछ भगत भेज दिए भिड़ा चढ़ा के, गुरु जी खिसक गए। बोले मंज अभी भी तू सावधान हो जा, इतना बड़ा जमींदार था, इतनी थी दुकान थी, मंदिर था, गहने गांठे थे, सारे तबाह हो गए। घर की रोटी खाता है, लंगर बनाता है, फिर गुरु ने बोला लकड़ियां कर, अब तू लकड़ियों सहित कुएं में गिराया और गुरु जी सुन के चले गए। अभी भी समाज के लोग तुझे समझाते उस रास्ते चले। मंज ने कहा आप मेरे को अच्छी सीख समझ के देते हैं, वो तुम्हारे पास रही। बोले तू ठगा जा रहा है। बोले कई जन्मों तक अकाल ने ठगा है, अब अकाल पुरुष को दिखाने वाले महापुरुष के हाथ से ठगे भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, तू सीधे इस रास्ते आए चले जाओ। श्रद्धा तोड़ने वाले सारे प्रसंग सुना के थक गए लेकिन मंज का चित्त डामाडोल नहीं हुआ। गुरु जी आए बोले मंज क्या है। बोले गुरुजी कुछ पागल लोग आए थे बोल रहे थे ऐसा वैसा, मैं नहीं सुनिया। तब क्या करेगा, कहे गुरुजी आपकी जो आज्ञा। गुरुजी लोग तो बोलते हैं कि मंज तो डूब गया। गुरुजी मैं लोग बकने दो, हम बके, मैं डूबिया नहीं, मैं तो मेरे सारे संसार सागर से तारने वाले मेरे सतगुरु के ओट पे आऊं, ये पानी की डुबाना मैनू है, कुएं तो पानी की डुबाना है तो छाती तक है, वो संसार सागर से तारने वाले सच्चे पाशादी को शरण हूं, वो बक रहे कि तू डूब गया कुएं में डूब गया। गुरु ने कहा बेटा मुंज गुरु दा बोई था, मुंज गुरु दा बोई था, जग तारण हार, तू दुनिया को तारने वाला हो जाएगा। गुरु ने सीडी बीडी मंगवाई,
मुझे को बुलवाया बाहर, गले लगाया, मंत्र दीक्षा लेनी है तो मंच से कर जाओगे। मंज गुरुदा बोए था जग को तारण हार, दूसरे को तारने का नामदान देने की अथॉरिटी गुरु के द्वारा पा सकता है उसके तारने का तो कहीं संशय भी नहीं। लोग तो अपने आप गुरु बन जाते हैं, गुरु जब कह देते हैं तब गुरु खुद तरता है, दूसरे को तार सकता नहीं तो खुद भी डूबता है दूसरे भी डूबते। मेरे गुरु जी कहते थे गोपो विजी टोपो किसकी बैठूंगा जीत, धर्म को धंधा बना दिया, धर्म को वाहवाही का साधन बना दिया, ऐसे लोग डूबते संसार। चलो अच्छी जगह पे रहें, गुरु जी के नजदीक रहें तो हमारे बेटी बेटी की शादी बढ़िया होगी, तो आप धर्म का दोहन करते, धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म का दोहन करते, तो आपके जीवन में बरकत तो आना, खुशी आना, सच्चाई आना मुश्किल है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्त हो उसकी भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा उपकार है कि संसार समुद्र से निकाल लेता है। परमात्मा शांति से बढ़कर और कोई सुख त्रिभुवन में नहीं है। परमात्मा शांति धन से बड़ी है, सत्ता से बड़ी है। परमात्मा शांति अष्ट सिद्धियों से बड़ी है, नौ निधियों से बड़ी है। ऐसा करके यूं लोहे को सोना बनाने वाले संतों से मेरी दोस्ती थी। नारायण को लोहा को सोना बना के दिखाने सचमुच में मेरी अंगूठी भी घले के बोले इसको मैं कह तो है ही सोने की, इसको मत बनाओ कुछ। फिर यूं करके सोने का सामान निकाल के दे दिया, ऐसे संतों से मेरा परिचय। लेकिन हम कोई सब छोटी चीजें लगी, परमात्मा शांति के आगे इसको क्या मानना। प्रधानमंत्री पद से भी ऊंची है सोना बनाने की सिद्धि शक्ति, सोना बनाने की और ये रिद्धि सिद्धियों से भी अष्ट सिद्धियां बहुत ऊंची, नवनिधि, उससे भी भगवान का दर्शन ऊंचा है, भगवान के दर्शन से भी भगवत शांति बड़ी चीज है। तो ये भगवत शांति जिन पुरुषों के संपर्क से प्राप्त होती उनका बड़ा उपकार। भगवत शांति नहीं मिली तो 84 में ही भटके बस। हे जीव शांति और आनंद चाहता, जहाँ भगवत शांति वहाँ आनंद है, जहाँ आनंद और भगवत शांति दोनों एक बस सिक्के के दो पहलू। तो राम जी जिनसे शांति प्राप्त हो उनकी भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, बड़ा आदर करना। ब्रह्मज्ञानी संग धर्म राज करे सेवा, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़े भागी पावे, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जा। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के संग से शांति मिलती, परमात्मा शांति। लेकिन लोगों को कदर नहीं होती, फिर ज्ञानी अपने को समेट लेते, छुपा लेते। लोग घंट घड़ियाले बना बजाते रहते, किताबें पढ़ते रहते हैं, जलाशयों में नहाते रहते हैं, तीर्थों में नहाते रहते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद खाते रहते हैं, और जहाँ सब गए वहीं खप जाते हैं, अपने आत्मा में नहीं जा पाते। भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, युगों से जीव भटक रहा है सच्चे सुख और शांति के लिए, नहीं मिला तो फिर कच्चे सुख और कच्चे सुविधा में तो जन्मो मरो
मेरा नाम हो, मेरे चेले हो, मेरा पैसा हो, मेरी इज्जत हो, मेरा आबरू हो, लेकिन जो जल जाएगा शरीर उसी की इज्जत आबरू और क्या है। जो पानी की बूंद से बना है वो शरीर उसी का नाम होगा, तेरे को क्या मिलेगा। जिसको जला देना है उसी को थोड़ी सुविधा मिल गई, उसी को थोड़े महल बाड़ियां मिल गई, तेरे को क्या मिला। तू तो रीता रह गया, तू कंगाल रह गया। धन भागी है मुंज जो गुरु की महिमा को जाना था। आए हैं धन भागी, मेरे को मुंज मिले तो मैं मुंज के पैर पकड़ूंगी। कैसा समर्पण सत्य शिष्य। गुरु के कुछ कुछ वफादार ईमानदार शिष्य कृपा पात्र विशेष होते हैं। तो एक कृपा पात्र शिष्य को देखे दूसरे शिष्यों को थोड़ा दाह होती थी। गोरखनाथ सभी शिष्यों को ले गए घूमने के बहाने जंगल। फिर एक पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़ कर दूर जाके बैठ गए दोनों रमन। शिष्यों को सत्संग वत्संग सुनाते हुए संदीपक वेद धर्म की कथा ये वो सुना के कि संदीपक हो गया वेद धर्म गुरु का चेला और ऐसा था ऐसा समर्पित है। ये सुना के फिर गुरु ने कहा जो मेरा कोई चेला हो तो उस पेड़ पे डाली पे चढ़ जाए और त्रिशूल के ऊपर जंप मारे तो मैं मानूंगा कि समर्पित है, नहीं तो सब आराम को है। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक ऐसा था जो सचमुच में समर्पित था, मनी मन गुरुदेव का ध्यान करके पेड़ पे चढ़ गया। दूसरे चेले देखने लगे, गुरु जी देख लो। बोले देखो तो उन्होंने सोचा कि गुरु उसको मना करेंगे ये करेंगे, वो तो जा रहा है और गोरखनाथ चले गए पीठ देके। शिष्यों ने देखा ये अब तो पहुंच गया, अब कूदेगा नहीं, लेकिन वो सचमुच कूद गया। सचमुच कूद गया तो समझे चीखे, लेकिन गोरखनाथ की अदृश्य हाथों ने संकल्प छोड़ दिया। महापुरुष जैसे आप उसी में बैठे ऐसे वो बैठे, उसको कुछ छूट नहीं। सारे समर्पित धोखेबाज जो हरामी थे रोटी तोड़ने वाले सारे पीले पड़ गए। सच्चा समर्पित कौन है वो अलग से तैर गया। रोटी तोड़ने वाले अलग हो गए और सच्चा समर्पित अलग हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कोई बात नहीं, मेरी इस पर ज्यादा कृपा थी, उसकी योग्यता थी, इसमें पात्रता थी, लो तुम भी भजन करो, लेकिन जितना हो सके मन की बेईमानी से थोड़ा पिंड छुड़ाओ, चाल चालबाजी नहीं। अलहु जतन यार फकीरन साई, अल्लाह जे खास वजीरन साई। जिक्र फिक्र जमाल पती, खुशी से भी भर दे और फिक्र से भी भर दे। ऐसे महापुरुष इसलिए अपने पतन के रास्ते नहीं है। जो समझ गए गुरु की कृपा के हमको सिखाने के लिए कैसा कैसे प्रयोग करते महापुरुष, वो तो अहोभाव से भर गए। कुछ नफट थे तो बोले चलो आपने तो चले जाए, अब तो आप ना करेंगे क्या, इधर तो अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा सोचने वाले तो भाग गए, लेकिन जो समझते थे कि नहीं वैल्यू हो चाहे नहीं हो, अपना ये जीवन मृत्यु का अपना ही इधर अच्छा है, दूसरों को भी सुधारने में सफल हो गए। ऐसे लोग दूसरों को भी सुधारने में सफल हो गए जो सीधा हार लिए, और लोग खुद भी तार गए दूसरों को भी तार लिया। हाँ जो लुफंगे टाइप के थे फरियाद टाइप के थे वो तो खुद भी डूबे दूसरों को भी डुबाते,
और जिनकी फरियाद नहीं थी, जो मिला पड़े रहे, खाया पिया, बेचारों को कोई फरियाद नहीं, ऐसे लोग सीधा हाथ लेके तर गए। सुमति कुमति सबके उर रहे, शुभ और अशुभ सबके अंदर में रहता है। जब सीधा अर्थ लेते तो शुभ बलवान होता, उल्टा अर्थ लेते तो अशुभ बलवान होता। तो खंडूर गांव में जाड़ों में तो सर्दी खूब पड़े, बारिश में बारिश एक बार खूब तड़ाके की हो गई। तड़ाके की बारिश ने ऐसा वातावरण कर दिया महाराज, एक दिन दो दिन पड़ती रही बारिश, तो दलदल इतना कि गायों के लिए चारा लाना मुश्किल हो गया। नानक जी थोड़े चिंतित थे, भाई लहणा को पता चला, चौधरी लहणा को, तो उस समय तो पक्की सड़कें भी नहीं रही, वो घुटने भर के दलदल को लकीरते हुए चारा ले आए। हम सोचते थे कि हमने गौशाला का झंझट मोल लिया, लेकिन नानक जी भी ये सब करते हैं। गौशाला का आज ये हो गया, आज वो हो गया, सोचा कि ये क्या झंझट बढ़ा दिया, लेकिन वो झंझट नानक जी के लिए भी था। हमारा तो ट्रकों में आ जाता है चारा, उनका तो सिर पे उठा के लाते थे वो जमाना। भाई लहणा इतना नानक जी को ठीक से जानने में समर्थ सक्षम हुआ कि नानक जी के बेटे भी पीछे रह गए, श्रीचंद और लक्ष्मी जन। एक रात को नानक जी ने उस महीने की ठंडी और पंजाब दी ठंडी, बेटों को उठाया कि जाओ मेरा कुर्ता और धोती धो क्या। वो बोले पिताजी तुसी ख्याल करो, हूँ रात है, उठ ठर दे सी सी कुल्फी होंदे, कुल्फी कुल्फी शब्द तो मैंने मिलावट की, सवेरा होगा कर लेंगे। बेटे तो सो गए, लहणा ने सुना सच्चे पातशाह मैनू दियो, वो गए नदी पे धो धा के आए, मोर होते सूर्य के किरण लगे सूखे, वो कुनों ने पहना। बेटे आए बोले लाओ पिताजी वो धोआए, अरे बोले कितने कपड़े, बोले ये है, बोले तो साफ है, बोले वो धो के आया, सूख भी गए पहन लिया। तो भाई लेना गुरु की सेवा की महिमा जानता था, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। जो अपना नाम करना चाहते हैं तो समझो देह को सच्चा मानना है और ईश्वर आत्मा का गला घोटते। अपना नाम करना चाहते हैं वे लोग न गुरु की सेवा कर सकते ना आत्म साक्षात्कार कर सकते, वो मान के भगत हो जाते। मानपुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। अमानितो अदाम्भितम आर्जो हस्ते ब्रह्मचर्य, ये सब सद्गुण चाहिए तब सत्य में बराबर स्थिति होती। तो ये सारा गुरु भक्ति योग से सद्गुण भाई लेना में आ गया था। तो नानक जी ने परीक्षा लेना चाहा, फिर नानक जी एकांत में रहते तो लोग भी चलो भाई बाबा जी आते नहीं तो असे जाओ असे जाओ। खंडूर गांव में सुबह सुबह ध्यान से उठ के जरा घूमने जाते तो लोगों के झुंड खड़े हो जाते, बाबा जी कुछ वचन सुनाओ, चलो बैठो भाई दो सुनाओ। देखा कि ये तो सब प्रवृत्ति छोड़ के बैठे, फिर भी यहाँ भी तो चालू हो गया, आश्रम छोड़ के एकांत में बैठे, प्रचार छोड़ के एकांत खंडूर गांव में आए, फिर भी इत्थे भी आए। तो एक दिन सवेरे जो ही लोग आए, क्यों आए हो बाबा जी, बच्चे उठाया डंडा एक दो तीन को ठोक दिया, बाल बिखर आए गुस्से में, सुना दिया कुछ का ऐसा उग्र रूप के लोग तो वही कि क्या हो गया भाई, ऐसे ही कुछ दिनों से तो ऐसे ही थे उग्र, लेकिन आज क्या हो गया, कई धर कई उधर। हमारे ये दिन कब आएंगे अल्लाह जाने, लेकिन नानक जी का तो सुना तो हमको तो लगा कि अब क्या करें।
कई जगह ऐसी छुपी हुई बनाई एकांत, लेकिन लोगों को पता चल के वहीं भी भीड़ भड़ाका भी, ये भी इसी ले लिया था जगह यहाँ रात की, चलो एकदम एकांत है यहाँ में जंगल में, टिहरी भी इसीलिए बनाए, दूसरी भी दो चार जगह हैं इसीलिए बनाई हुई, लोक संपर्क नहीं बस शांति से। नानक जी को उग्र रूप हुआ सुनो, भल भले के छक्के छूट जा बाहक, फिर भी कुछ लोग पीछे पीछे लगे, बाल बिखरे हुए, कुछ का कुछ सुनाते हुए हाथ में डंडा लेके आगे चलते गए नानक के पीछे। फिर उनके बेटे श्रीचंद लक्ष्मीचंद, भाई लहणा और कुछ लोग लगे थे, चलते 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 कोई गांव किसी गांव के पहुंचे, दोपहर हो गई थी, तो जान गए थे कि अभी पीछा नहीं छोड़ा। क्यों पीछे पीछे आ रहे हैं? सच्चे पास है, भूख तो लगी होगी। हाँ, इधर उधर देख, शमशान के तरफ गए तो शमशान में मुर्दा ढका हुआ था, तो बेटों को लोगों को बोला ले खा लो खा लो भूख लगी तो। तो बाकी के जो थे वो भी बिखरे, लेकिन लेना और श्रीचंद और ये नहीं, श्रीचंद लक्ष्मीचंद ने जरा मुंह मोर के किनारा कर लिया, क्या देखता है खा ले। सच्चे पातशाह जो हुक्म, इधर उधर देखा शमशान के पास में जहाँ पानी थे हाथ पाथ धोके, सच्चे पातशाह आज्ञा करो मुर्दे नु पैरों से खावा कि सिर नाल खावा, पैरों से शुरू करा कि सिर से शुरू करा, सच्चे पातशाह तुसी दसो। पैरों से खा ले। सच्चे पातशाह प्रसाद हंकार सतना कथा पुरुख निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी से गुरु प्रसाद, ये गुरु प्रसाद है, ये तो मूर्त है लेकिन गुरु प्रसाद, गुरु की आज्ञा है तो गुरु प्रसाद, गुरु की आज्ञा तो मुर्दा भी गुरु प्रसाद होया के जानी जाना हारा लेखे कतो न छुटियां किन किन भूलना हार बशकना हारा तो बशक ले गुरु पार उतारना हारा। सच्चे पातशाह खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, खाते गए। तो मुर्दा तो नहीं है तो मेवे मिठाइयां हैं। रखवा दिया होगा परीक्षा के लिए कैसे भी होगा, दूसरे रह गए भाई लहणा को तो गुरु आज्ञा में दृढ़ मानकर गुरु जी का हृदय प्रसन्न हो गया, गले लगा लिया। ओ चौधरी लैणा तेनु मैं अंग में लगाया सी, आज से तुसी अंगत देव होए। कौन होए? अंगत देव होए। चौधरी लैणा का ऐसा भाग्य चमका कि गुरु नानक के बाद गुरु गादी पे गुरु अंगत देव बैठे, सिख लोग जानते। फिर अंगत जो आत्म सुख का अनुभव था वो भी उसको पच गया। अगर भाई लेना अपने को पूजवाने के लिए गुरु की सेवा करता तो पूजा नहीं होती, लेकिन गुरु की कृपा के लिए ही गुरु की प्रसन्नता के लिए करता था तो अंगत देव बन गए। ऐसे ही अमरदास रामदास ये 10 गुरुओं तक पूजवाने की वासना नहीं थी, कोई भी अच्छे गीत निकलते तो कह नानक नानक जी का नाम डाल देते थे। 10 गुरुओं ने अपने नाम की पूजवाने की वासना छोड़ी, तब जब फिर देखा कि अब गड़बड़ हो रही है तो गुरु ग्रंथ बना दिया, बस कोई पात्र नहीं मिले ना गुरु गद्दी के योग्य, सब अपने को पूजवाने की वासना वाले मिले। जो अपने को पूजवाने की वासना वाले होंगे तो उनका देहाध्यास होगा, देहाध्यास होगा तो सत्य समाज को दे नहीं सकते, सत्य के सुख में रह नहीं सकते, व्यक्तिगत मान जो है ना देह में ले आता है, आत्म सुख ऊंची चीज, तो देह में जो रहेगा वो तो फिर भिखारी रहेगा ना, वाहवाही के सुख चाहिए, सुविधा का सुख चाहिए, हम बड़े गुरु हैं हमारी सेवा करो हमारा ही अधिकार है, तो कर्तव्य भी है ना,
गुरु गुरु बन के शिष्य से सेवा का अधिकार चाहता है, वो गुरु नहीं है, वो तो गुरु है, तो फिर नरक गामी होगा। मैं गुरु हूँ, मेरा अधिकार है सेवा लेने का, मेरा अधिकार है दक्षिणा लेने का, मेरा अधिकार है ठाट से रहने का, ये वो गुरु नहीं है, गुरु है गुरु। गुरु लेने के लिए नहीं होते, देने के लिए होते। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु ना ले। और कभी लेते हैं तभी भी शिष्यों के, समाज के, शिष्यों के हित के लिए लगा दे, अपने व्यक्तिगत के लिए ज्यादा। आजकल तो लोग भाषण देके गुरु बन के भी मौज मारने के लिए एक धंधा खोल दिए, बिजनेस बना दिया धर्म को, तो फिर वो धर्म बिजनेस की वस्तु रखने से बिजनेस नहीं होता, लेकिन बिजनेस के भाव से ही बिजनेस होता है। ऐसे तो गांधी जी के आश्रम में कितने ही कांतन होता था, साबुन बिकता, ये करते वो करते, और भी कई जगह पर। सामने वाले के सहूलियत के लिए, सामने वाले के सुख के लिए। अब आ गए एक सेवक दो सेवक तो चले, अब सैकड़ों और हजारों सेवक आ गए तो उनको काम तो चाहिए, रोटी भी चाहिए, तो क्या वो सेवक भीख मांगे रोटी की? हाँ जी, आगे जो भी तुम्हारी इच्छा है सो करो। यहाँ सब गुरुओं के गुरु भी बैठे हैं, उनसे पूछ देखो, और जो मुझसे पूछो तो मैं सब शास्त्रों का सिद्धांत कहता हूँ जिससे सिद्धता को प्राप्त हो गए। हे राम जी, संतों और ज्ञानवानों के अनुसार संवेदन, मन और इंद्रियों का विचार रखना, और जो इनसे विरुद्ध हो उनको न करना। मान लो आप जो कर रहे हैं तो समझो गुरु जी देख रहे हैं, तो आपको खुश होंगे कि नाराज होंगे? अगर खुश होते वो करो, नाराज होंगे उससे बचो, बस सीधी बात, उन्नति हो जाएगी। नहीं, हमारे गुरु जी को कैसा लगे? बस तो हो गया समर्पण, पटाके घटाके अपने मन का करते रहे तो गुरु गुरुद्रोही बनते रहे। गुरु गुरु कहो, आत्मा कहो, ईश्वर कहो, किसी निज मन माही विचार। नारायण जो खोट है उसको तुरंत निकाल, तो खोट निकालने का बल कहाँ से ला? इसीलिए साधना है, इसीलिए प्राणायाम है। एक महीने के अंदर प्राण ताल बद्ध, 25% आयुष्य लंबी हो रहा है, ऐसे योग्यता। मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में दिव्य ज्ञान आ जाए, रोग और शोक निवृत्त हो जाए। एक वकील लड़का था, उसको तो प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी, भटक रहा था, और केवली कुंभक पर प्रवचन चला, उसने सुना वकील, फिर वो करने लग गया था। अभी तो अच्छी वकीलात भी करता और नगर अध्यक्ष भी बना था अहमदाबाद का, चैतिया का केस बेस भी वही, वो जो था ना भोपाल वाला, उसका केस भी वही लड़ा था भोपाल के जेल में जो था ना, फिर वो उधर आ गया था जेल से छूट के, वो केस भी वही लड़ा था। नारायण हरि, नारायण हरि। हे राम जी, दुख के नाश का उपाय यह है कि ज्ञानवान के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारणा करे, इससे बस दुखों के नाश का यही सीधा उपाय है कि ज्ञानवान महापुरुष जो बोलते हैं उन वचनों की बराबर धारणा करके हृदय में स्थित करें। ज्ञानवान बोलेंगे कि भाई ये जो शरीर है वो तू नहीं है, और ये सुख है वो सच्चा नहीं है, दुख भी सच्चा नहीं है, मान भी सच्चा नहीं, अपमान भी सच्चा नहीं, सत्य स्वरूप तेरा आत्मा ही सत्य है, तू ज्योति स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है,
दुख में विवल मत हो, सुख में फंस मत, कपट करके अपनी आत्मा की अधोगति मत कर, बेईमानी करके अधोगति मत कर, संसार की लालच करके अपने को नीचे मत गिर। इस प्रकार का गुरुओं का ज्ञान आत्मसात करते करते वो साधारण जीव महापद को पा लेते। फिर तो मुंज इतना महापुरुष हो गया कि मुंज की जिन्होंने संगति की और मुंज से मंत्र लिया तो कई कंगालों को अमीर बनाने में सफल हो गया। देवी देवताओं के दर्शन तो मुंज की कृपा से किसी को भी हो जाए, इतना सामर्थ्य आ गया हुआ है। सच्चे पाशा सतगुरु जी अपने अपने भगवानों का दर्शन कर ले, मुंज के संकल्प में इतना बल आ गया। फिर तो जो गांव वाले थे, जिम्मेदार थे, ये वो थे, सारे थे सारे, बाबा मुंज भगवान दी जय हो, सच्चे पाशा मुंज भगवान दी जय। गुरु दा बोई था मुंज मुंज महाराज दी जय हो। मेरे को भी कई लोग व्यापारी लोग आते थे अक्ल देने को, भाई तो भाई के साथ रहो, ऐसा करो, इतना भजन मत करो, फिर बड़ा सुधारने को आते थे। फिर हम तो चले गए, जब गुरु की कृपा से लौट के आए तो वही लाइन में लग गए, मत्था टेकने लगे। मैं एक दिन अपने घर में फोटो लगाया संत का, तो मेरी भाभी बोलती, क्या ये साधु संतों के फोटो, कौन महाराज के फोटो लगा रहे हो दीवालों पे? मैं क्या, ये तो सभी संतों के फोटो लगा रहा हूँ, मैं भी एक दिन संत बनूंगा, लोग मेरा भी फोटो लगाएंगे। बोले छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे तो छोटा था, मैं तो ऐसे ही स्वाभाविक बोला था। लेकिन फिर जब समय बीता और हम गुरु के चरण में गए, लौट के जब अहमदाबाद आए, और थोड़े दिनों में तो संसार के पचड़ों में भाई हो चाहे भाभी हो, सभी को चोटें तो लगती रहती। तो किसी ने बोला, अरे भाई तुम्हारे वो साईं के पास चले जा। तो फिर वो साईं के पास आते आते उनके थोड़े कोई प्रॉब्लम थोड़े सॉल्व हो ही जाते हैं सत्संग में आने से, मन होती है। फिर वो मेरे पास फोटो ले आई। भाभी मेरे बड़े भाई की पत्नी, हम दो ही भाई थे, मेरे से बड़े थे। तो मेरे को बोलते साइन साइन कर दो। मैं क्या, छोटा मुंह और बड़ी बात। याद है ना तुमको, मैंने बोला था कि अभी तो हम संतों के फोटो लगाते, हम भी संत बनेंगे, लोग हमारे भी फोटो लगाएंगे। तो बोले साईं अभी तक याद है, माफ करो ना, भूल जाओ ना, मैं तो आपके भी शिष्य हो गए हूँ, दया करो ना, आप तो हमारे भगवान हैं। बेगम छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे भाई की दुकान पे तो 8 फोटो लग गए से डिफरेंट पोज, और भाई दे घर में, भाभी दे घर में 9 लग गए सी। तो कभी कभार जिसको जिधर प्रीति होती है उसके चित्र में उसको आनंद आता है, जिसको नेता बनने में प्रीति होती है वो नेता कर, जिसको संतत्व जगाना होता उनको संत में प्रीति होती। तो देर सवेर जिसकी जहाँ प्रीति वैसे ही सद्गुण आते हैं, जिसका आप चिंतन करते हो तो भगवान में, भगवान को पाए हुए महापुरुषों में प्रीति, उनके वचनों में प्रीति, इससे अपना मंगल हो जाता। कभी भी संत जो बताते हैं तो उसका सीधा अर्थ लेना चाहिए, विधेयात्मक, निषेधात्मक लेने से सत्यानाश होता है। भाई कितनी ऊंची स्थिति वाले हमारी भलाई के लिए हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पामर जीव है, पापी पातकी जीव है, जानते नहीं मोह ममता में पड़े ही। जैसा हमारी मति को अच्छा लगता है ऐसे गुरु को घुमाते, और क्या करते, इसी का नाम है समर्पण। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। ओम नमो प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता, जैसे गाली सुनते ही गुस्सा आ जाता है, अपमान सुनते ही चेहरा उतर आता है,
ऐसे भगवान का नाम लेने से हृदय कमल खिल जाए तो समझो क्या है, प्रीति पूर्वक है भगवान का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय इष्ट देवाय आत्मदेवाय प्रभुदेवाय माधुरीदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। हरि ओम हरि, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओ हरि ओ हरि हरि। जीवन बड़ा कीमती है, समय बीता जा रहा है, ऊंचा काम बाकी रहा हुआ है, नीचा काम तो हर जन्मों में करते आए, पेट भरना, बच्चे करना, अपनी हिकड़ी दिखाना, ये तो हलकट काम तो कई सदियों से करते आए। अब तो ऊंचा काम करना है, अपनी हिकड़ी ईश्वर को अर्पण करना है, कपट छल छोड़कर ईश्वर में अपने अहम को मिलाकर ईश्वर में होना है, ऊंचा काम। जीवन बीता जा रहा है, समय बड़ा कीमती है, अब की बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी दूर, इस जन्म का बिछड़ा पटका जीव कब मिलेगा, इसलिए नारायण समय का खूब सतुपयोग, राम राम।